यार आपने ना बुरी नज़र तो सुना ही होगा, मैंने भी बहुत सुना है, बट परसों कुछ ऐसा हुआ ना कि मुझे विश्वास हो गया बुरी नज़र पे। मैं आया था परसों यहाँ पे हमारे प्यारे रावण जी का ब्लॉग बनाने, मैंने बनाया भी हुआ है, ऐसी सेम पोज है उसमें ना वो कवर पिक में, तो मैंने पूरा ब्लॉग बनाया। एक डेढ़ बजे गया था यहाँ से और उसके बाद मैंने रामलीला इंजॉय करी दोस्तों के साथ, दोस्त लोग भी आए थे मेरे, 6-7 आए थे, तो सब कुछ बढ़िया था, मौसम एकदम साफ था, ऐसा ही मौसम था जैसे आप पीछे देख रहे हो ना। बट मैं गया घर पे, एडिटिंग करी, 2-2:30 बजे सो गया जाके। अगले दिन दोस्तों का मैसेज आया कि भाई तूने रावण गिरा दिया। मैंने कहा मैंने कौन सा रावण गिरा दिया, तो पता लगा कि रात को तूफान आया था बहुत तेज, तो उसमें रावण जी सह नहीं पाए और वो नीचे ढह गए, काफ़ी नुकसान हुआ रावण को, ये टांगे तो ख़त्म ही होगी, टांगे यहाँ पड़ी है अभी, सब कुछ सही हो जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर मुझे खुद ही हुआ यार, हाँ यार ये क्या हुआ, सब कुछ तो सही चल रहा था, जैसे ही मैं गया गिर गया तो सब ने कहा तू मनहूस है मनहूस है। मैंने कहा हाँ यार मनहूस तो हूँ वैसे। बट यार जोक सपाट, कितनी दुनिया आई थी यार उस दिन इनको देखने ना, रावण जी को, और इनकी पूजा भी हुई थी कि कुछ होए ना, बट भगवान को भी नज़र लग जाती यार, ये भगवान नहीं थे भाई, इनसे छोटी सी गलती होगी बस, उन्हीं का खामियाजा ये सालों साल भुगतते आ रहे हैं। तो भाई उस दिन यार पता लगा कि नज़र होती है भाई, अब भगवान भी नहीं छोड़े तो इंसान क्या, इसलिए कामयाब होने से पहले ढिंडोरा मत पीटो, पहले कुछ कर लो फिर पीटो, वरना इनके तरह नीचे ढह जाओगे और पैर कट जाएंगे। बट यार जो ये अच्छा रावण बन जाएगा, अभी 6-7 दिन पड़े दशहरा को ना, तो ऐसी कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, जो हमारे रामलीला के सदस्य हैं ना बहुत धनी है, धनी लोग हैं, धनी इतना धन है उनके पास, जेबों में भरा रहता है, तो वो सब कुछ सही कर देंगे, और तेजेंद्र चौहान जी इतने एक्सपीरियंस बंदे, वो भी इसको सही कर देंगे। तो अभी तो आप मीम सुनाना छोड़ो, रामलीला का मज़ा लो, और ये रावण आपको जल्दी ही सही मिलेगा दशहरे पे, काफ़ी VVIPs आएंगे, और देखो अब किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस BJP, तो उनके भी MLA लोग आएंगे, और आप लोग भी आना, लेकिन पास लेके ही आना, क्योंकि अगर पास लेके नहीं आओगे तो वहाँ खड़ा होना पड़ेगा, वो दूर। मैं भी शायद ही आऊँगा, मेरे पास तो पास है यार, अपने भाइयों का तो प्रोग्राम है, ले लूँगा, आपको चाहिए दे दूँगा, बट फ्री में दूँगा भाई, पैसे कमाऊँगा मैं, बनिया हूँ। कोई भी वीडियो बनाने मत आना, अलाउड नहीं हो, देखो 2 बाउंसर लोग खड़ा रखे हैं, और ये तभी खाली पड़ा है, बिल्कुल एकदम खाली है ये, मैं तो किसी की स्पेशल परमिशन से आया हूँ, मैंने कहा ना मैं स्टार हूँ तो इसलिए मैं आ गया, लेकिन आप लोग भाई गलती से भी मत आना, बहुत रिस्की हो जाएगा आपके लिए, और बाउंसर लोग बहुत मोटे मोटे इतने तेज तेज मारेंगे ना, पता नहीं लगना कहाँ कहाँ लगी। तो यार कुछ प्रिपरेशंस की बात करें तो अभी देखो इनमें कपड़े लगने हैं, वो जूतों का मेरे हिसाब से पता नहीं शायद वो सही हो जाएंगे, वो देखो वो बाउंसर आ गया, वो एक बच्चा आया था ना उसको पकड़ लिया, इसलिए भाई गलती से भी मत आना इधर, बहुत रिस्की हो जाएगा आपके लिए, और वो बहुत तेज मारेंगे, बहुत ज़्यादा तेज, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना काम। ये कपड़े शायद इनके अंदर डलेंगे जो भी अभी इसमें स्टिचेस होने हैं, तो अभी पूछते भैया से क्या क्या होना है इसमें, इसमें कितना काम रह गया अंकल, इसमें कितना काम रह गया, लास्ट पटाखे भर रहे हो क्या, इसमें पटाखे भर रहे हो, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ तूफान का, तो यार अभी सही है एकदम, ये थोड़ा पैर को नुकसान हुआ है बस, बाकी सब सही है। फिर यार चलता हूँ, सही हो जाना भाई, जलना है आपको शनिवार को, गर्ल्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, किसी की भाई धर्म पत्नी को उठा लोगे, वो भी श्री राम की, तो यही हाल होगा, जलना सबको पड़ेगा बेटे, तो इसलिए अपनी कुआत में रहो और सबको रिस्पेक्ट करो, वरना एक ना एक दिन तो बेटे जलना ही पड़ेगा इनके जैसा, ठीक है। तो फिर चलो मैं चलता हूँ, अब मेरे को सिक्योरिटी गार्ड घूम रहा है, इतनी भी है, मैं बड़ी परमिशन लेके आया, ठीक है, फिर मिलता हूँ दशहरे ब्लॉग पे, अगर आया तो ट्राई करूँगा, तब के लिए बाय। एक मिनट वो कवर पिक ले लूँ, कोई भी आगे मत जाना, मना है, ये यहाँ पे रोक लेंगे आपको, एक और बैठे ये भी रोक लेंगे, तो रिस्पेक्ट करना सबकी, क्योंकि आगे सेफ्टी का भी सवाल है ना, तो दूसरे वाले हो रहे हैं। चलो फिर निकलते हैं घर को, मिलते हैं दशहरे पर, बाय।